कुछ नहीं हो सकता इस देश का। कभी नहीं बदलेंगे। पता नहीं कितनी बार सुना, कितनी जुबानों से सुना है, कितनी जुबानों में सुना है, और सच भी है। इतने सालों में कुछ नहीं बदला, बस सरकार पे सरकार बदली। पर रास्ते का कचरा वही कभी। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का। और क्या, देश के कितने ही ऐसे शहर और गांव हैं जहां पॉल्यूशन से हजारों बच्चों की जान जा रही है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का। कहीं सरकार चलाने वाले मंत्रियों पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, तो कहीं कानून संभालने वाले पुलिस घूस ले रही है, और हम चुपचाप हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का। रोज अखबारों में पढ़ते हैं अनगिनत खबरें बूढ़ों पर, औरतों पर, बच्चों पर होते हुए अत्याचारों के बारे में, और एक घंटे में हम सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का। स्पोर्ट्स स्टार्स हो या फिल्म स्टार्स, हम उनमें जात पात का भेदभाव बिल्कुल नहीं करते, पर नेताओं के उकसाने पे, धर्म के नाम पे हजारों जाने लेने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्यों आतंकवादी आके हमारी आंखों के सामने हमारे शहर पे हमला करते हैं, और हम सैकड़ों की तादाद में मोमबत्तियां जलाते हैं। क्यों? 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 क्योंकि और कुछ नहीं हो सकता इस देश का। और कुछ नहीं हो सकता। सच का कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता? क्या सच में कुछ नहीं हो सकता? अगर वास्तव में कोई सच्चा देशभक्त इस देश की सेवा करने को आगे आना चाहे और हम सब मिलकर उसे चुने, तो क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? सब हो सकता है। हां, सब हो सकता है।